अगर 2 HP की मोटर मींस पंप जिसको हम लोग पंप में यूज करते हैं को, या कोई सा भी मोटर हो सकता है, को अगर हम लोग 5 घंटे तक चलाएंगे तो वह कितने यूनिट का बिल देगा। ठीक है, तो 5 घंटे का मतलब कंटिन्यूअस या एवरेज टाइम। ठीक है, तो समझते हैं कि 2 HP की मोटर को अगर हम लोग 5 घंटे तक चलाएंगे तो कितने यूनिट का बिल देगा। 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। तो इस तरह से हो जाएगा 2 HP इक्वल टू 746 × 2 = 1492, मतलब 1492 वाट। ठीक है, या लगभग 1500 के बराबर मान लो आप, ताकि कैलकुलेशन में सही रहेगा। तो हम इसे थोड़ा देर के लिए 1500 मानते हैं ताकि समझने में अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन इजी होगा। तो ठीक है, तो अभी हम अब समझते हैं कि यह जो मोटर हो गया हम लोगों का कितने वाट का हो गया, 1500 वाट का हो गया। ये मोटर हम लोग का अब हो गया 1500 वाट का। ठीक है, ये हो गया 1500 वाट का। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। तो अभी आप लोग ने क्या समझा कि 2 HP जो होता है लगभग 1492 वाट्स होता है, उसने हमने 1500 वाट के बराबर मान लिया कैलकुलेशन के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि यह कितने यूनिट का बिल देगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1000 वाट आवर हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि 2 HP का मतलब क्या है। 2 HP जो हो गया लगभग 1500 वाट का हो गया, तो 1500 वाट को अगर हम लोग 5 घंटे तक चलाएंगे तो यह कितना वाट आवर देगा, तो यह 7500 वाट आवर देगा, मीन 7500 वाट आवर देगा। चूंकि 1000 वाट आवर जो होता है एक यूनिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 यूनिट। ठीक है, 7.5 यूनिट देगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग 1000 से भाग देंगे तो ये 7.5 यूनिट के बराबर होगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 HP का मोटर को अगर हम लोग 5 घंटे तक चलाएंगे तो वह कितने यूनिट का बिल देगा। थैंक यू।